नमस्कार बच्चों, आपको तो पता ही है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे देश के कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन 1857 ईस्वी में देश के जिन सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस महासंग्राम को अमर बनाया, उनमें अमर शहीद वंधु सिंह का नाम प्रमुख है। वंधु सिंह पूर्वांचल के एक ऐसे नायक थे जिन्होंने गोरखपुर जिले में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेज उनके नाम से ही दहल उठते थे। अमर शहीद बाबू बंधु सिंह का जन्म गोरखपुर जिले के ग्राम डुमरी कोल तत्कालीन डुमरी रियासत थाना चौरी चौरा में 1 मई सन 1833 ईस्वी को जागीरदार बाबू शिव प्रसाद सिंह के यहाँ हुआ था। बाबू बंधु सिंह के 5 भाई थे। उनके पिता डुमरी रियासत के जागीरदार थे। डुमरी रियासत कभी 87 राज का भाग हुआ करता था। राज परिवार से होने के कारण उनका लालन पालन अच्छी प्रकार से हुआ था। सभी भाई बहादुर एवं बलवान थे। बचपन से ही बाबू बंधु सिंह के मन में अंग्रेजी दासता को खत्म करने की इच्छा प्रज्वलित हो उठी थी। कहा जाता है कि रोज वे देवी पूजन को जाया करते थे। एक दिन पूजा करते समय उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि हे माँ, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं अपने देशवासियों को अंग्रेजी दासता की वेणियों से मुक्ति दिला सकूं। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को चुन चुन के समाप्त करने का फैसला किया। सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस के गोरखपुर जिले में क्रांति के लौ को प्रज्वलित कर जन जन में फैला दिया। वे गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेज अफसरों और सैनिकों का काम तमाम किया करते थे। बाबू बंधु सिंह और उनके भाइयों से अंग्रेजों में दहशत फैली हुई थी। एक बार की घटना के संबंध में कहा जाता है कि अंग्रेजों को अपना खजाना गोरखपुर भेजना था, किंतु बाबू बंधु सिंह के कारण कोई साहस नहीं जुटा पा रहा था। तब अंग्रेजों के एक वफादार अफसर ने कहा कि खजाना हम लेकर आएंगे और बाबू बंधु सिंह व उसके भाइयों की मार मार के खाल उतार देंगे। बाबू बंधु सिंह व उनके भाइयों ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अफसर को मारकर खजाना अपने अधिकार में लिया व उसे स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया। अंग्रेज बंधु सिंह से परेशान और बेचैन हो उठे कि इन्हें किस तरह पकड़ा जाए। सामने से तो किसी में साहस न था कि आकर पकड़ लेता। उन्होंने उनके खिलाफ सम्मन जारी कर दिया, षड्यंत्र कर मुखबरी का सहारा लिया। सम्मन जारी होने के बाद बाबू बंधु सिंह अपने पूजा स्थल के पास जंगल में शरण लिए हुए थे। वह देवी की आराधना में लगे हुए थे। तभी मुखबिर ने धोखे से उन्हें गिरफ्तार करवा दिया तथा बिना मुकदमा चलाए उन्हें बागी ठहराकर 12 अगस्त सन 1857 ईस्वी को गोरखपुर शहर के अलीनगर चौराहे के पश्चिम में खुली जगह पे सरे आम फांसी पे लटका दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाबू बंधु सिंह को वर्तमान डोमखाना मोती जेल अर्थात उस समय प्रथम जेल गोरखपुर में बंदी बना के रखा गया था। उस समय वहाँ घंटाघर के स्थान पर पतजू पुत्र जीवा का पेड़ हुआ करता था। उसी पर उन्हें व उनके अन्य कई साथियों को फांसी दी गई थी। उसी स्थान पर बाद में घंटाघर का निर्माण हुआ। जनश्रुति है कि बाबू बंधु सिंह को फांसी देते समय उनका फंदा 7 बार टूटा था। सभी अंग्रेज अफसर हैरान व परेशान थे। 8वीं बार बंधु सिंह ने देवी माँ से प्रार्थना की कि अब मुझे अपने चरणों में आने दो माँ। इतना कहने के बाद उन्होंने स्वयं फांसी का फंदा अपने गले में डाल दिया और भारत माँ की खातिर हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। जनश्रुति के अनुसार बंधु सिंह की गर्दन फांसी पर लटकते ही उनके पूजा स्थान पर स्थित तरकुल ताड़ के पेड़ का ऊपरी हिस्सा कट कर गिर गया और उसमें से रक्त जैसा श्राप निकलने लगा। कालांतर में यही स्थान तरकुलही देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि के मेले में लाखों लोग दर्शन करने एवं श्रद्धा सुमन चढ़ाने आते हैं। बाबू बंधु सिंह की वीरता वहाँ के लोक गीतों, लोक नाटकों एवं बिरहा आदि के माध्यम से गाते चले आ रहे हैं, जो जनमानस को सदैव उनके बलिदान की याद दिलाते रहेंगे। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे। थैंक यू।